मिशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट इस तरह से क्रिएट कर लेंगे, 1080 pixel, 30 fps और ब्लैक बैकग्राउंड के साथ। और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ एंड स्क्रीन, और यह है मेरा नया प्रोजेक्ट। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, जिसको मैंने एक रॉयल्टी फ्री साइट से डाउनलोड करके रखा था। और अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँगा ताकि जो फ्रेम हो वो इस तरह से कवर हो जाए। ओके, और अभी मैं इसमें इफेक्ट्स में जाऊँगा और इफेक्ट्स ऐड करूँगा, सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। और इस इमेज का सैचुरेशन मैं रिड्यूस कर दूँगा। इसका रीज़न यही है कि सामने जो एलिमेंट्स मैं ऐड करूँगा वो ज़्यादा अच्छी तरह से दिखाई देगा। ओके, और इसका मैं ओपेसिटी भी इस तरह से रिड्यूस कर दूँगा थोड़ा सा। और अभी मैं यहाँ पे एक इस तरह से स्क्वायर शेप ऐड कर लेता हूँ, और इसको इस तरह से मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेप को मॉडिफाई करूँगा। ओके, एंड इसको अच्छी तरह से मैं प्लेस कर लेता हूँ, ऐसे हो गया। और इस लेयर को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ अभी, क्योंकि मुझे इस तरह के दो शेप्स चाहिए। और इन दोनों लेयर को मैं थोड़ा सा इस तरह से ऊपर नीचे कर लेता हूँ। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि दोनों जो शेप हैं वो सेम कलर के हैं। और यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दूँगा, ओके, स्काई ब्लू कलर। और अभी जो ऊपर का जो शेप है उसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे। ओके, एंड इसमें भी मैं ग्रेडियंट कलर यूज़ करूँगा। एक कलर मैं ये स्काई ब्लू यूज़ कर रहा हूँ, और दूसरा कलर मैं यहाँ पे ब्लू यूज़ करूँगा। ओके, और इस तरह से मैं ग्रेडियंट को एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए, परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो नीचे का लेयर है उसका कलर थोड़ा सा और मॉडिफाई करना होगा, नहीं तो ये नीचे का लेयर जो है वो सही से विजिबल नहीं हो रहा है। तो इस तरह से मैं इसके कलर को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। अभी मैं इस लेयर का ओपेसिटी भी थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ दोनों लेयर का, 0.6 के आसपास मैं रखूँगा ओपेसिटी। ओके, और अभी इस दोनों लेयर को मुझे एनिमेट करना होगा। तो इस तरह से टाइमलाइन में थोड़ा सा आगे जाके जो नीचे का शेप होगा उसको सिलेक्ट करूँगा, और वहाँ पे एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा, और उसी तरह से सामने की तरफ एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा, उसको ऊपर की तरफ इस तरह से ड्रैग कर लूँगा। ओके, और इस एनिमेशन को मैं अभी इजीज कर लेता हूँ। मैं हर अपने एनिमेशन में बताता हूँ कि इजीज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे आपका जो एनिमेशन होगा वो स्मूथ होगा। अभी इस की फ्रेम का रेफरेंस लेके मैं जो ऊपर का लेयर है यहाँ पे एक पोजीशन प्रॉपर्टी का की फ्रेम क्रिएट करूँगा, और उसी तरह से सामने की तरफ भी मैं एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा। परफेक्ट, और इसको मैं इस तरह से ऊपर की तरफ ड्रैग कर लूँगा। इस एनिमेशन को भी मैं इजी ईज कर लेता हूँ। और इस लेयर को मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ ताकि दोनों जो स्क्वायर हो वो थोड़ा सा ऑफ बीट रहे, सिंक्रोनाइज नहीं हो। ये देखिए, इस तरह का एनिमेशन हो गया है। और अभी हम फिर से यहाँ पे एक सर्कल इस तरह से ऐड कर लेंगे, और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा। ओके, जहाँ पे हमें अपने लोगो प्लेस करना है। ओके, इस तरह से प्लेस करूँगा, एंड इसमें मैं शेडो ऐड करूँगा। तो शेडो में चले जाएँ और इसको ऑन कर लें, और जो पोजीशन है उसको मैं 3 रखूँगा, और साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँगा, और अल्फा को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँगा। ये देखिए, ये सारे पैरामीटर जो हैं वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर लें। और अभी यहाँ पे मैं कलर सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे भी मैं ग्रेडियंट कलर का यूज़ करूँगा, सेम ग्रेडियंट कलर का मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। ओके, ये देखिए, और इस तरह से ग्रेडियंट को मैं एडजस्ट कर लूँगा, और ओपेसिटी को भी थोड़ा सा कम कर दूँगा। और यहाँ पे जो नीचे के जो शेप्स हैं उसमें भी मैं शेडोज ऑन कर लूँगा, और उसका भी जो पैरामीटर्स है इस तरह से आप चेंज कर लें। ओके, तो देखिए कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। अभी मुझे सर्कल जो शेप है उसका एनिमेशन करना होगा, तो यहाँ पे मैं टाइमलाइन के थोड़ा सा आगे जाके एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा, और सामने की तरफ
साइज का एक की फ्रेम इस तरह से क्रिएट करूंगा, उसको रिड्यूस करके मैं इस तरह से जीरो कर दूंगा। और इस एनिमेशन को मैं इजी एज कर लेता हूँ। आप एक बार प्ले करके देखते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। और अभी मैं यहाँ पे और एक स्क्वायर शेप इस तरह से ऐड करूँगा और उसको भी मैं अच्छी तरह से रिसाइज कर लूँगा। ये देखिए यहाँ पे प्लेस कर दूँगा जहाँ पे मुझे अपने वीडियोस को प्लेस करना है। अभी इस शेप का भी जो कलर है उसको मैं चेंज कर लूँगा, उसमें भी मैं ग्रेडियंट कलर का यूज़ करूँगा, सेम ग्रेडियंट का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, इसका भी ओपोसिटी थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं अभी के लिए एक इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। ओके, जब आप एक्चुअल में इसको अपने वीडियोस में यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपके जो वीडियोस होंगे वो दिखाई देंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक रॉयल्टी फ्री इमेज इस तरह से ऐड कर लेता हूँ। इसी तरह से एडजस्ट कर लूँगा इसको। अभी हम इस शेप को एनिमेट कर लेंगे। ओके, इसके जो साइज प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे टाइमलाइन में आगे की फ्रेम क्रिएट करेंगे और उसी तरह से टाइमलाइन के पहले की फ्रेम क्रिएट करके इसके साइज को हम लोग जीरो कर देंगे, इसको इजी एज कर लेंगे। ओके, अभी प्ले करके देखते हैं, ये देखिए। और इस लेयर को थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे, ओके, ताकि थोड़ा सा डीसिंक हो। और अभी मैं इस शेप लेयर का एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करूंगा और उसको इस तरह से मैं राइट हैंड साइड में प्लेस कर लूंगा। अच्छे से आप अलाइनमेंट कर लें। अभी मैं एक दूसरा इमेज यहाँ पर ऐड कर लूँगा जो दूसरे स्क्वायर है उसमें ऐड करने के लिए। ओके, और इसको भी मैं रिसाइज करके अच्छी तरह से स्क्वायर के ऊपर प्लेस कर लूँगा। और दोनों इमेज को मैं इस तरह से थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा ताकि जब शेप का एनिमेशन ख़त्म हो तभी मैं जो इमेजेस है उसका एनिमेशन कर पाऊँ। और यहाँ पे इमेजेस का सिंपली ओपोसिटी प्रॉपर्टी का मैं एनिमेशन इस तरह से कर लूँगा। टाइमलाइन के आगे की फ्रेम क्रिएट करूँगा, ओके, 100% ओपोसिटी का। और इस तरह से टाइमलाइन के पहले मैं एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा जहाँ पे मैं ओपोसिटी को रिड्यूस कर दूँगा। ओके, और यहाँ पे मैं इस एनिमेशन को इजी यूज़ कर दूँगा। ओके, ताकि डिजॉल्व का जो इफेक्ट हो वो क्रिएट हो। तो देखिए अभी तक कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। ओके, अभी जो बाकी लेयर्स है सबको मैं अच्छी तरह से एडजस्ट कर लूँगा, इक्वल कर दूँगा सभी लेयर्स को मैं अच्छी तरह से। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, देखिए हो चुका है। अभी एक बार प्ले करके देखते हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छा एनिमेशन यहाँ पे बन चुका है। अभी मुझे यहाँ पे अपने लोगो ऐड करना होगा और उसको सिंपली मैं इस तरह से ऐड कर लूँगा और उसको अच्छी तरह से जो सर्कल है उसके बीच में इस तरह से प्लेस कर लूँगा। ये देखिए अच्छी तरह से अलाइन कर लें। ओके, परफेक्ट। और इस लेयर को मैं प्लेस कर लूँगा इस तरह से सर्कल के ऊपर और यहाँ पे मैं ओपोसिटी प्रॉपर्टी को इस तरह से एनिमेट कर लूँगा। जिस तरह से मैंने इमेजेस का एनिमेशन किया था उसी तरह से इस लोगो को भी मैं एनिमेट कर लूँगा। और देखिए इस तरह का एनिमेशन हो चुका है। अभी जो रेक्टेंगल्स है वहाँ पे मैं शेडोज ऐड कर देता हूँ इस तरह से, ये देखिए। और इस तरह से शेडोज का जो प्रॉपर्टीज है वो आप मॉडिफाई कर लें। एक बार प्ले करके देखते हैं, ये देखिए इस तरह का एनिमेशन हो चुका है। और अभी मुझे टैक्स यहाँ पे ऐड करना होगा। ओके, तो मैं अपना सबसे पहला टैक्स यहाँ पे ऐड कर लूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लूँगा मैं वाइट, फॉन्ट भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा बोल्ड और इटैलिक फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। साइज इंक्रीज करके मैं अराउंड 32 यहाँ पे रख रहा हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से इस तरह से ऊपर प्लेस कर लूँगा। ये देखिए अच्छी तरह से अलाइन कर लें। यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके एनिमेशन को थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाएगा। ओके, और अभी इसको मैं एनिमेट करूँगा, थोड़ा सा आगे जाऊँगा इस तरह से। और यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी का की फ्रेम क्रिएट करूँगा और सामने की तरफ एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा और इसको इस तरह से ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूँगा। इस एनिमेशन को इजी एज कर लेते हैं।
एक बार प्ले करके देखते हैं। अभी तक कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पे हम लोग अपने दूसरे टैक्स को ऐड कर लेते हैं। क्लिक हियर टू सब्सक्राइब। ओके, उसका भी कलर में वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉन्ट आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, व्यू ऑल फॉन्ट्स, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अलग अलग फॉन्ट्स। और इसको मैं अच्छी तरह से प्लेस कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक हैंड का जो PNG है उसको ऐड कर लूँगा। कलर उसका चेंज कर लूँगा, वाइट कर दूँगा। और इसको यहाँ पे मैं इस तरह से प्लेस कर देता हूँ। और अभी मैं टेक्स्ट को एनिमेट करूँगा। देखिए, एक की फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ और सामने की तरफ एक की फ्रेम क्रिएट करके उसको लेफ्ट की तरफ इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। और अभी इस एनिमेशन को मैं इजीएस कर लेता हूँ। और ये टेक्स्ट का एनिमेशन जहाँ ख़त्म होगा वहीं पे मुझे जो शेप है या फिर जो हैंड का जो PNG है उसको एनिमेट करना है। तो उसमें मैं ऑपोसिटी का एनिमेशन इस तरह से कर लूँगा, दो की फ्रेम क्रिएट कर लूँगा और सामने का जो की फ्रेम है उसमें मैं ऑपोसिटी को जीरो कर दूँगा और एनिमेशन को मैं इजीएस कर लूँगा। तो देखिए इस तरह का एनिमेशन हो चुका है। इन लेयर्स को मैं थोड़ा सा इस तरह से रिपोजिशन कर लूँगा और लेयर्स के लेंथ को एडजस्ट कर लूँगा। ओके, और अभी लास्ट हमें यहाँ पे अपने सोशल मीडिया का जो टैग्स है एंड जो लोगोज है उसको ऐड करना है। और यहाँ पे मैं टैग्स ऐड करूँगा /NoInShot और टैग्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। कलर वाइट रखता हूँ। अच्छी तरह से कलर्स चूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप अलग अलग कलर्स यूज़ करोगे तो आपका जो एनिमेशन होगा वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देगा। इसीलिए आप ध्यान रखें इस चीज़ का और कलर्स को एक सिंक में यूज़ करें, जो भी कलर आप यूज़ करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे मैं सोशल मीडिया के लोगोस 1x1 ऐड कर लूँगा। सबसे पहले फेसबुक और उसको रिसाइज करके इस तरह से NoInShot जो टैक्स है देखिए उसके पीछे इस तरह से प्लेस कर लूँगा। ये जो लोगोस हैं वो फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। ओके, उसके बाद दूसरा लोगो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इंस्टाग्राम एंड उसके बाद ट्विटर। तीनों लोगो जो है वो ऐड हो चुका है। अभी मुझे यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करना होगा क्योंकि जो NoInShot टैग्स है एंड उसके साथ जो ये तीन लोगोज हैं इन सभी को मैं एक ही जैसा एनिमेशन देना चाहता हूँ। और अभी इसको मैं एनिमेट करूँगा। यहाँ पे मैं एक पोजीशन प्रॉपर्टी का की फ्रेम क्रिएट करूँगा, सामने की तरफ मैं जाके और एक की फ्रेम क्रिएट करूँगा और मैं इसको राइट की तरफ ड्रैग कर लूँगा और इस एनिमेशन को मैं इजी कर लूँगा। और अभी एक बार मैं प्ले करके देखता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का एनिमेशन हो गया है। तो हमारा जो एंड स्क्रीन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। क्लिक हियर टू सब्सक्राइब जो टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँगा। यहाँ पे मैं एनिमेशन में जाऊँगा और यहाँ पे जो सेकंड की फ्रेम है उसमें मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ और ड्रैग कर लूँगा। एक बार प्ले करके देखते हैं। परफेक्ट। और यहाँ पे मैं और एक शेप ऐड करूँगा यहाँ पे और इसको इस तरह से मैं रिसाइज कर लूँगा ताकि जो नीचे का पोर्शन है वो बिल्कुल इस तरह से कवर कर ले। और यहाँ पे मैं इसका जो फिल है उसको हटा दूंगा, खाली आउटलाइन मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। स्ट्रोक्स को मैं ऑन कर लूँगा और कलर में वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अभी इस लेयर को मुझे नीचे लेके जाना होगा। तो पहले इस लेयर को मैं पहले एक्सटेंड कर लेता हूँ एंड अभी इस लेयर को मैं नीचे लेके जाऊँगा। परफेक्ट। अभी एक बार प्ले करके देखते हैं। ये देखिए अभी इस स्क्वायर में हम लोग इफेक्ट्स ऐड करेंगे। ड्रॉइंग प्रोग्रेस। अभी मैं एंड जो प्रॉपर्टीज़ है उसको एनिमेट करूँगा। यहाँ पे मैं टाइमलाइन के आगे की फ्रेम क्रिएट करूँगा और सामने की तरफ एक मैं की फ्रेम इस तरह से क्रिएट कर लूँगा। और जो सामने का की फ्रेम है उसमें मैं एंड प्रॉपर्टी का वैल्यू जीरो कर दूँगा। इस तरह से एक ड्रॉइंग का इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और इस एनिमेशन को मैं अभी इजीएस कर लूँगा। एक बार प्ले करके देखते हैं। देखिए ये हम लोग का एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको सीख पाए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलता हूं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।